गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत द्वारा बीजेपी विधायक और पुलिस पर लगाए गए आरोप के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर राकेश टिकैत के आरोप को गलत बता रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर ना जाने की बात कह रहे हैं, वहीं इसी बीच लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने नंद किशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कराने की मांग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर भी लिखा है। लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा और आरोप लगाया कि जिस वक्त किसानों का आंदोलन समाप्त होने वाला था, उस समय बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने 70-80 हथियारबंद समर्थकों के साथ बॉर्डर पर पहुंचकर आंदोलन को उग्र करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विधायक इस तरह की हरकत कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। उन्होंने नंद किशोर गुर्जर को पार्टी विरोधी बताया। चेयरमैन ने अपने लेटर में कहा कि विधायक आने वाले विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वे पार्टी को खोखला करने की साजिश करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम मैंने आज एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहती हूँ। राकेश टिकैत जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी सहमत हो गए थे और वो आंदोलन कल ख़त्म होने की कगार पर था, लेकिन ऐसे समय में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी दर्जन भर गाड़ियों में अपने 70-80 समर्थकों के साथ वहाँ पर जाकर उन सभी के हाथों में हथियार और लाठी डंडे भी थे। उन्होंने उस आंदोलन को उग्र रूप देने का कार्य किया और किसानों को डराया धमकाया। पहले भी लोनी से विधायक ऐसे पार्टी विरोधी कार्य करते रहे हैं और पार्टी के खिलाफ इन्होंने धरने पर बैठने का भी कार्य किया था, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे पार्टी विरोधी विधायक की सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी चेयरमैन रंजीता धामा ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चेयरमैन का कहना है कि विधायक पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं।